और क्या आप क्या करें, आप एस्टेब्लिश नाम है, अपना नाम बनाया आपने इस क्षेत्र में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए वो वक्त अलग थे जब ये चुनौतियाँ थी, सब कुछ हम लोगों ने झेला, हम लोगों को आके प्लेटफॉर्म नहीं मिले हैं। इतना बड़ा नाम मेरे वालिद मोहतरम, मेरे अंकल इंडियन साफी ब्रदर्स उस्ताद इकबाल साबरी, उस्ताद अफजाल साबरी, मगर क्या होता है कि इतना बड़ा बैकग्राउंड मिला हुआ मुझे, मैं उसके बावजूद भी ये लगन थी कि नहीं यार अपना कुछ करना है, अपना नाम पैदा करना है, सब कुछ करना है। ऊपर वाले ने कराया, उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, उसका शुक्र है करोड़ों बार। मगर आजकल के वक्त में तो बहुत चीज़ें इजी हो चुकी हैं, बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, जैसे आज टीवी के माध्यम से देखिए आप कहीं गांव से आई हैं, कहीं से भी आई हैं, आपको रेडी स्टेज मिल रहा है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर वो दम है, आपने वो किया, आपको एक नाम बुनियाद सब कुछ मिल गया। तो उस टाइम के वक्त में और आज के वक्त में तो बहुत फ़र्क है, आज तो बहुत इजी है हर चीज़, मेरा तो मानना ही है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए इस अकेडमी के बारे, इस स्टूडियो के बारे में जो इस्टेब्लिश हुआ आज के बारे में, किस तरह से देख रहे हैं स्टूडियो को? आर्ट चिल्स म्यूज़िक कंपनी जो है उसको मैं आज जो आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हमारे नए जनरेशन के लड़के जो बच्चे तरक्की कर रहे हैं और उसको पैमाने को यहाँ तक लेके गए हैं। एक ये सब्जेक्ट भी आज तक गाना म्यूज़िकल ये था, मैं एक नई जनरेशन ने आज एक ऑडियो लॉन्च किया है आर्चिल्स के नाम से, बहुत बड़ी बात है। और मुझे आज ये नज़र आ रहा है कि ये आगे आगे बहुत तरक्की करेंगे, और आप देखना, ये आज मैं बोल के जा रहा हूँ आपसे कि ये आपको कितनी जल्दी वक्त में ही आपको ये किस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट जितनी न्यू नी कमर जो एल्बम आ रहे हैं और लोग नए नए जुड़ रहे हैं जो सब कर रहे हैं, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत आर्टिस्ट्स के ऑडियो आपको बहुत जल्दी मार्केट में मिलेंगे और बहुत नाम करेंगे लोग। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप खुद के बारे में कि क्या आज के दौर में जो संगीत क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मौका मिलने का जो चांस रहता है, कितना ज़्यादा है और कितना बदल गया है संगीत क्षेत्र? देखिए बदलना चांस तो बहुत है, चांस तो ये है कि आज दुकानें लगी हैं, आपको बस अपना सामान बेचना है और आप कितने उस दरिया में पार उतरते हैं आपका। आजकल तो नई जनरेशन ऐसी हो रही है कि इजी ये भी सोचती है कि काम ऐसा है तो मैं इसको इजीली ऐसे कर लूँगा, मगर नहीं, जो माइक होता है ना इंडस्ट्री का, वो माई बाप अंदाता होता है, वो ऐसा इम्तहान लेता है। सिंगर तो बहुत बनते हैं, बहुत सिंगर बनते हैं, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, मगर जब वो प्लेटफॉर्म आता है, जिस वक्त काम करने का वक्त आता है, उस पर पूरा उतरना वो बहुत बड़ी बात है। मेरी सभी लोगों से, नई जनरेशन के लड़कों से, लड़कों लड़कियां जो भी हैं, उनसे ये गुजारिश है, प्रैक्टिस करें, अच्छे से रियाज करें और हर चीज़ को सुनिए, पुराने गीतों को सुनिए, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोरदा, मन्नादा, मुकेश जी, ये लीजेंट हमारे, लीजेंटली लोग हमारे, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम लोगों ने इन लोगों को सुना है और मेरी ये गुजारिश है इन लोगों को सुनिए, अच्छे से अच्छा गाएंगे आप लोग। और प्रोजेक्ट क्या रहते हैं, किसके बाद कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? मेरे दो तीन प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं अभी, आपको जल्दी ही इंशाल्लाह मई के लास्ट तक आपको सुनने को मिलेंगे, बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट जो आपको जल्दी सुनने को मिलेंगे।